कांच के पर कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर तुम कुछ नहीं जानते, जान भी नहीं सकते। सिर्फ मैं जानता हूं कि मुझ पर क्या गुजर रही है। मैं जिंदा क्यों हूं? सिर्फ अकमल की लाश देखने के लिए। बस मैं इस ऑफिस में क्यों आया हूं? अकमल के ऑफिस को बंद करने के लिए, उसके कारोबार को तबाह बर्बाद करने के लिए, उसके बीवी बच्चों को सड़कों पर भीख मांगने के लिए। तुम देखना तो मैं अकमल के गुरूर का सर किस तरह खाक में रोलता हूं। देखना तुम। देखिए, आपने जो बात करनी है आप हमसे बात करें, आपसे भी करेंगे। आप ही तो इस कहानी के मर्कज किरदार हैं, बल्कि हीरो हैं। जहाँ से नाम है ना आपका, ये आपसे कोई बात नहीं करेंगे, प्लीज अब तंग मत करें। देखिए, अगर हमने अपने पास से कुछ छाप दिया तो जिम्मेदार आप होंगे। क्या छापेंगे आप? छाप दी जाएगी जो छापने आपने। देख लूंगा आपको भी, प्लीज बस बस। देखिए, मैं माफी मांगता हूँ। आप इधर प्लीज सर, प्लीज इन हालात में सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ये क्या बात कर रहे हैं? प्लीज हमारे वकील की तो कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड मिल जाए, लेकिन सिर्फ 2 दिन का रिमांड मिला है। इसके बाद फिर क्या हुआ? कोशिश करेंगे कि दोबारा रिमांड मिल जाए। अगर ना मिला तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन 2 दिनों में पुलिस उनसे अकमल का पता मालूम कर लेगी। लेकिन समीना, मैंने ये भी सुना है कि अकमल पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। फिर क्या? उसे वापस आना पड़ेगा, वहां रहेगा तो औलाद की जुदाई में मर जाएगा, यहां आएगा तो बच नहीं पाएगा। कहां जाएगा? हाँ जावेद, इस तरह करो कि तुम सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू का पेज 746 PLD 86 पेज 743 ये लेकर और साथ पता करो, पिटीशन टाइप होगी। हाँ, ऐसा हम कोशिश करेंगे कि मजीद रिमांड ना मिले, इंशाल्लाह।
क्या ख्याल है बैरिस्टर साहब, हम जमानत के लिए दरख्वास्त ना दे दें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इस वक्त फाइल में कोई भी कंक्रीट एविडेंस ऐसा नहीं जिससे हम अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सबूत कहाँ से लाएं? वैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सुहेल के टेलीफोन बिल यानी मोबाइल फ़ोन के बिल की कॉपी निकलवाने की कोशिश करें। उससे क्या होगा? FIR के मुताबिक मिसेस अकमल और राहिला के ख़िलाफ़ ये जुर्म बनता है कि वकुआ के रोज़ उन्होंने फ़ोन करके सुहेल को बुलाया। अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि उस रोज़ सुहेल ने अपने मोबाइल से उनको फ़ोन किया है, तो यकीन करें इतना ज़बरदस्त एविडेंस है कि इनसे एक तो उनकी ज़मानत हो जाएगी और दूसरा उनके डिस्चार्ज होने का चांस 100% है। लेकिन बिल तो सिर्फ कनेक्शन होल्डर को ही मिल सकता है। वो तो हम कानूनी तौर पर भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इससे वो मोहतात हो जाएंगे। ऐसा वहाँ मिल मिला के एक बिल की कॉपी नहीं निकलवा सकते। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मेरा भी एक दोस्त मोबाइल कंपनी में काम करता है, मैं भी कोशिश करता हूँ। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि अकमल साहब से कहिए कि वो सरेंडर कर दें। इससे ये होगा कि, और हाँ, सबसे अहम बात यह है कि उन्हें कहें कि जब वो अपनी गिरफ्तारी दें तो उससे पहले मुझसे मिल लें। इतना खामोश रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। और मैं कर भी क्या सकता हूँ यार, बहुत कुछ कर सकते हैं, तुम अकेले नहीं हो, हम है ना तुम्हारे साथ। यार दो मिनट में इस मसले का हल हो सकता है, दो मिनट में। वो कैसे? इस केस का मुद्दा ही साजिद है ना। हाँ? भाई तुमसे खलास कर देते। यार पागल हो गए ना, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोचो सोचो तैमूर, वो ठीक कह रहा है, साजा जिंदा रहेगा ना, मुकदमे की पैरवी करता रहेगा। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अच्छा अच्छा, फिलहाल इस तरह करते हैं, उसने को फायर शहर मारते हैं ताकि वो सुलह कर ले। तैमूर, वो तुम्हारे खानदान को बदनाम कर रहा है यार, गली गली में तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं, लोग तुम्हें बगैरत कहेंगे। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। क्या करना है और क्या नहीं करना, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये तुम्हारी खामोशी तुम्हें एक दिन ऐसे जाल में फंसा देगी, उम्र भर नहीं निकल पाओगे तुम इससे। प्लीज सोचो यार, सोचो। टेक इट इजी, हम हैं ना तेरे साथ यार। आपने मुझे अगर अकमल साहब के बारे में ना बताया तो मुझे मजबूरन सख्ती करनी पड़ेगी। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मुझे कुछ इल्म नहीं है, मैं तो यहाँ पे हूँ। आप सब जानती हैं, अपने भाई से पूछें, मैं उन्हें यहाँ बुलाता हूँ, उन्हें फोन करता हूँ। सर किसी को कुछ पता नहीं है। देखिए मुझे मजबूर मत करें किसी गलत कदम उठाने पे। आप और कर भी क्या सकते? मैं आपकी बहन और भाई को गिरफ्तार कर सकता हूँ, उसके बाद अकमल खुद ब खुद यहाँ आएगा। इसमें मेरी बहनों का और भाई का क्या कसूर है? आप सब जानती हैं। देखें मुझे मजबूरन जहां जेब को गिरफ्तार करना पड़ेगा। सर बार का अंदर उठ रहा था। हाँ उसे बिठाए, मैं अभी बुलाता हूँ। हाँ तुम इस रहिला, आप मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करते? पीछे हटो, मुझे बात करने दो सर। पीछे हटो, मैं देखता हूँ। उसने मना किया, मना किया हुआ। What the hell is this? सर मैंने इनको रोका है। ये थाना एक पब्लिक प्लेस है और वैसे भी हमारा राइट है हकायक जानने। हाँ हाँ आपका राइट है, लेकिन आपको बाहर कुछ देर इंतजार करना चाहिए था। मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। तफ्तीश हमारे सामने भी हो सकती है, खास तफ्तीश है। What do you mean? क्या आपके न्यूज रूम में जाकर कभी किसी ने ये पूछा है कि आप कौन सी खबर कहाँ लगा रहे हैं? ये तो ताल्लुकात पे डिपेंड करता है। तस्वीर बना यार। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको कम से कम इजाजत तो लेनी चाहिए। देखिए आप पर्सनल हो रहे हैं, कोई खास हमदर्दी है? जरा तमीज से बात करो और जाओ यहाँ से, बाद में आना। बाद में यहाँ कोई और होगा, मैं अभी SHP साहब और DIG साहब से बात करता हूँ। हाँ हाँ करो, मुझे निजात दिलाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा बड़ा मशगूल हूँ। ये तो आपको कल पता चलेगा, वैसे बहुत वारदातें हो रही हैं आजकल आपके इलाके में। सुबह अखबार पढ़ लीजिएगा।
मुकेश इतने अंधा होकर उस मैन कुलवीर की बेटी ने अपने मंगेतर को कत्ल करवा दिया। कुलवीर मुल्क से फरार पुलिस ने राहिला और बीवी नसीन अकमल को गिरफ्तार कर लिया। क्या रबिश, इतनी अंधेर नगरी, झूठ को सच साबित करना किस कदर आसान है, सच को सच साबित करना किस कदर मुश्किल, नामुमकिन। हेलो हेलो तमसीला, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। तुमने आज का अखबार पढ़ा है? पढ़ा है मैंने। सुबह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सब लोग अपनी हैरत का इजहार कर रहे हैं, तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। तमसीला मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरा तो जी चाहता है कि झांझे प्लीज़ अपने आप को संभालो, जल्दबाजी में कोई ऐसा वैसा कदम मत उठा लेना। तमसीला क्या क्या हम लोग इस कदर बेबस हो चुके हैं कि ये साबित ना कर सकें कि असल हकीकत क्या है? झांझे मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी, बुरा मत मनाना। हाँ कहो। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता प्लीज़ घर मत आना। क्या तमसीला क्या तुम भी? प्लीज़ प्लीज़ जहाज़े, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और मसला खड़ा हो जाए। सॉरी तमसीला, मैं लोगों के डर से तुम लोगों को इस हालत में तनहा नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। बट्टी साहब, उन दोनों टेंडर्स की सप्लाई शुरू कर दो। ठीक है सर। और मुझे ये भी बताओ कि अकमल की कंपनी किन किन इदारों के साथ काम करती थी। ठीक है सर, लेकिन सर इसका हमें फायदा क्या होगा? हमें फायदा हो ना हो, अकमल को नुकसान होना चाहिए। मैं उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा, डिफॉल्टर करवा दूंगा, उसकी गैर मौजूदगी में उसके कारोबार को तबाह बर्बाद कर दूंगा, फिर देखता हूं वो कैसे सामने नहीं आता। सर हम आपके वफादार हैं, लेकिन आप जो कुछ भी करें मुहतात होकर करें, हम आपके साथ हैं। अगर सामने आ गए तो सुहेल का केस कमजोर पड़ सकता है, यही कहना था। मैं समझता हूं तुम्हारी बात को। वो जिस शख्स का तुमने जिक्र किया था, मुझे उसके वेयर अबाउट्स पता करके दो, ठीक है? समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे अफसोस करूं, तुम्हें तसल्ली दूं, हमदर्दी करूं, क्या करूं? मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे बहुत दुख है शकीला। बस दुआ करो कि जल्द इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे घर को। कॉलेज तो आओगे ना? नहीं, आज तो मैं और छुट्टियां लेने आई थी, सोच रही हूँ कि पापा के ऑफिस को ही लुक आफ्टर कर लूँ, इस तरह से जी भी लगा रहेगा। शकीला कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे तुम्हारे किसी भी काम आके बहुत खुशी होगी। बहरहाल ये भी तुमने अच्छा फ़ैसला किया है, इस तरह होगा ये कि तुम अंकल का बिज़नेस भी देख लोगी और मसरूफ भी रहोगी। थैंक यू शुएब, थैंक यू। चलें मैडम शकीला, आज आप क्या याद करेंगी, बंदा आपको अपने पैसों से चाय पिलाता है। भैया तुम लोग अंदर क्या करने गए थे? यहाँ पर तो कोई तुम्हारा जाने वाला नहीं रहता। यार तुम बातें मत करो प्लीज, इस एरिया से निकलो। तुम बैग में क्या है?
बाबा मैं तुझे बताता हूँ, तू चल तो सही। लेकिन मुझे यकीन है कि इस वक्त तुम लोगों ने कोई गलत काम किया है, तभी तुम लोगों ने मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज कर दी। हाँ, अगर तुम्हें यकीन है तो पूछते क्यों। तुम लोग फॉर्मली गाड़ी से नीचे उतरो। हम उतरेंगे तो तुम मारे जाओगे। तुम्हारी गाड़ी की नंबर प्लेट मेरे पास है, क्या वो नहीं लगानी? नहीं, तुमने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ, मुझे बताए बगैर। मैं तुम्हें बता दूं तुम हमारे साथ ना आते, कभी भी ना आते। बहरहाल तुम हमारे साथ हो। बिल्कुल नहीं, तुम लोगों ने फ्रॉड किया मेरे साथ। इस फ्रॉड को फ्रॉड साबित करने के लिए उम्र चाहिए मेरी जान। बहरहाल आराम से चलो। चलो ना। मानो सो जाओ ना प्लीज। मैंने अम्मी के पास जाना। मानो तैमूर भाई अम्मी को लेने गए हैं। मुझे पता आप झूठ बोल रही हैं, रोजाना यही कहती हैं। मानो अम्मी जरूर आएंगी। मुझे पता वो नहीं आएंगी। मानो मैं वादा करती हूँ अम्मी जरूर आएंगी। मानो देखो बेटे, तुम दुआ मांगो, अल्लाह मियाँ से दुआ मांगो कि आपकी और अम्मी जल्दी आ जाए। शायद अल्लाह को तुम्हारे छोटे छोटे हाथों पर ही रहम आ जाए। अभी पुलिस वाले बता रहे थे कि कान्हा मैं जेल भिजवा देंगे। मैंने जेल नहीं जाना, घर जाना है। घर जाएंगे बेटा, घर जाएंगे। तुम रात बहुत हो गई, थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर आराम कर। नहीं खा लो, ठीक नहीं खा लो। पता नहीं जेल कैसी होगी। जाहिर है घर जैसी नहीं होगी। अकमल का कुछ पता चला? सर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अकमल के ऑफिस के फ़ोन और घर के फ़ोन पे हमने ऑब्जर्वेशन लगवा दी है। तैमूर के मोबाइल फ़ोन को हम स्कैन कर रहे हैं। उनके तमाम मिलने वाले रिश्तेदार और दोस्त साहिबान पे हमने नज़र रखी हुई है। तुम्हारे ख्याल में अकमल कहाँ हो सकता है? सर मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे शक है कि वो मुल्क छोड़ के चला गया है, फरार हो गया। सर मिसेज अकमल और उसकी बेटी की तफ्तीश से तुमने क्या नतीजा अख्ज़ किया? सर मेरी तफ्तीश और हकायक के मुताबिक वो दोनों माँ बेटी बेकसूर हैं, उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। सर जुर्म सिर्फ अकमल का है। अगर ये दोनों माँ बेटियाँ बेगुनाह हुई तो आप मज़ीद रिमांड की रिक्वेस्ट ना करना, और आप ऐसा करना कि मुझको लिख कर दे देना ताकि इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। और हाँ, वो जहाँज़ेब और राहिला का जो स्कैंडल आज कल अखबारों में आ रहा है, भाई अपने इलाके के रिपोर्टर से रिक्वेस्ट करो और ये सब कुछ ख़त्म करवाओ। माँ बेटियाँ तो सबकी सांझी होती हैं। बिल्कुल सही है सर। और ये कोशिश करो कि अकमल जल्द अज जल्द गिरफ्तार हो जाए। राइट सर। तुम जा सकते हो। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। छोटा आदमी, बहुत ही छोटा आदमी है ये साजिद। इंतहाई घटिया और कमीन की का मुजाहरा कर रहा। अरे अरे बदला लेना है तो मुझसे ले, मुझसे कर दे मेरे सारे के सारे कारोबार को तबाह और बर्बाद।
लेकिन मेरी बेटी पर इतना घटिया इल्जाम तो ना लगा। दुश्मनी में किसी किस्म की अखलाकियात नहीं रहती अकमल। शुक्र मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं पाकिस्तान। नहीं 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 होता मुझसे अब ये बर्दाश्त कि मेरी बीवी और बेटी थाने कचहरियों में रुलती फिरे और मैं यहां बैठ के तमाशा देखता। नहीं अकमल, मेरा मशवरा है कोई जज्बाती कदम मत उठाना। बस रहने दो शुक्र। इज्जत के सामने जज्बात बेकाबू हो जाते हैं और मुझे अपनी इज्जत अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अकमल की जिल्लत और रुसवाई मुझे हर शेर से ज्यादा अजीज है। मैं अकमल को मारना नहीं रुसवा करके मारना चाहता हूं। अकमल की सबसे बड़ी पार्टी कॉन्टिनेंटल ट्रेडर्स है। जी सर। सर इस फाइल में बाकी की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हैं कि अकमल की कंपनी किन किन इदारों से डील कर रही है, उन्होंने किन किन बैंकों से कर्ज लिया है और उनके एसेट्स क्या हैं। कॉन्टिनेंटल ट्रेडर्स का चीफ एग्जीक्यूटिव हुमायूं लतीफ है। जी सर। और ये हुमायूं लतीफ करामत मुनीर का ब्रदर इन लॉ है। जी सर। और आप जानते हैं भट्टी साहब कि ये करामत मुनीर कौन है? जी सर, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। याद रखना, कल मैं अपने अजीज तरीन दोस्त करामत मुनीर के साथ डिनर करूंगा, लेकिन डिनर से पहले तो मुझे याद दिलाना तुम्हारे साथ कुछ चीजें डिस्कस करनी है। राइट सर। भूलना नहीं। सर आप पहले मेरी बात तो सुने। चीफ फैक्स मेरे हाथ में है और मैं पढ़ भी चुका हूँ। सर देखिए, सर आप हमारी कंपनी की रेपुटेशन देखें, हमारी आज तक कोई डील कैंसिल नहीं हुई। नहीं सर, सर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। देखिए हम 75% सप्लाई दे चुके हैं। जी जी सर। सर देखिए मेरी बात सुनिए। सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए आप अकमल साहब के जाती दोस्त हैं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। देखिए अगर आपने ऐसा किया ना तो हमारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी सर। जी नहीं सर, नहीं। हेलो क्या हुआ अंकल? नहीं मानो, उन्होंने फोन बंद कर दिया। मैं बात करता हूँ अंकल। हुमायूं लतीफ तो अक्सर हमारे घर आते जाते रहते हैं। अबू के बड़े अच्छे दोस्त हैं। बेटा ये दोस्तियां कारोबारी होती है। हुमायूं लतीफ साहब को अब नफा नुकसान भी याद आ गया। अंकल अगर ये डील कैंसिल होगी तो? हो गई नहीं, उन्होंने तो ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हम लोग तकरीबन 3 करोड़ रुपए की सप्लाई कर चुके हैं। इन हालात में अकमल साहब से भी बात नहीं की जा सकती, वो खामखा परेशान होंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि साजिद खान हमारे कारोबार को इस हद तक निशाना बनाने की कोशिश करेगा। तो क्या ये सब कुछ साजिद खान की वजह से हुआ? मेरा ख्याल है क्योंकि करामत मुनीर साजिद खान का बहुत अच्छा दोस्त है और हुमायूं लतीफ साहब उसकी कोई बात रद्द नहीं कर सकते। आप? हाँ। खैरियत तो है? मैंने सोचा कि पापा की गैर मौजूदगी में मुझे ऑफिस आना चाहिए। आप बेफिक्र हैं, मैं संभालूंगा। तो मेरे यहाँ आने से क्या नुकसान होगा? नुकसान तो कुछ नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी, लेकिन पापा को बहुत दुख होगा इस बात से। तुम इसकी फिक्र ना करो। यस अंकल, आप ही को समझाएं। शकीला बेटा तैमूर ठीक कहता है और मेरा ख्याल है कि मैं
अकमल साहब के मिजाज को अच्छी तरह समझता हूँ। अंकल, ऑफिस को आजकल मेरी ज़रूरत है। चलो ये बात फिर किसी वक्त कर लेंगे। तैमूर बेटा चलो घर पर तैयार होके नसीम भाभी से मिलने भी जाना है। अभी चले घर चल के बात होगी। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। रोहिल, तुम सुहेल की जगह उसके ऑफिस में क्यों नहीं बैठते? बिजनेस में मेरा हाथ बटाओ, इसमें हर्ज क्या है? नहीं डैड, मैं सुहेल भाई के ऑफिस में नहीं बैठूंगा। हर वक्त उनकी याद सताती रहेगी। तो फिर मेरे ऑफिस में बैठ जाओ। नहीं डैड। चाहते क्या हो? डैड, मैं वापस अमेरिका जाना चाहता हूँ। रोहिल बेटा, कुछ हमारा ख्याल करो, हम किसके सहारे जिएंगे? ठीक है डैड, फिर मैं अपना अलग बिजनेस करूँगा। मुझे मंजूर है, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा। डैड, मुझे आपकी मदद नहीं, सिर्फ रहनुमाई चाहिए। और आपको एक वादा करना पड़ेगा। वो क्या? आप मेरे बिजनेस में मुदाखलत नहीं करेंगे। मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जानता हूं। आप अपने बेटे को जानते हैं। नहीं, मैं रोहिल को जानता हूं बहुत अच्छी तरह। अच्छा, तुम घर चलो, तुम्हारी माँ लंच पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है, फिर डिनर पर बिजनेस की बात होगी। पापा लंदन में, मेरी बात हुई उनसे, बहुत परेशान है, जल्द वापस आ रहे हैं। उनको वापस मत आने देना, मना करो उन्हें। तुमने उन्हें क्यों बताया कि हम थाने में? न्याजी साहब, उनसे कहिए कि हम सब खैरियत से हैं, उन्हें मत आने दें। जी बेहतर। मैंने सुहेल के मोबाइल फ़ोन का बिल वकील साहब को दे दिया है, वो कल जमानत के लिए नोटिस देंगे। बहने तो ठीक है? हाँ, वो सब ठीक है। उन्हें कहना कि हम बिल्कुल खैरियत से हैं, वो परेशान ना हो। मानो तो नहीं रोती? नहीं, हर वक्त हंसती खेलती रहती है। आंटी आप बेफिक्र रहें, आपकी बहुत जल्द जमानत हो जाएगी। बेटा, हम कुछ दिन और रह लेंगे थाने, अपने अंकल को बचा लो। अब बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा अंकल को। अच्छा भाभी जी, अब बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा। चलो बेटा चले।
आज के पर